शाहरुख खान की फिल्मों में वापसी को लेकर सेलेब से लेकर उनके फैंस के अब सब्र का बांध टूट रहा है, क्योंकि जल्द से जल्द वो शाहरुख खान की फिल्मों में वापसी चाहते हैं। लंबे समय से शाहरुख खान बड़े पर्दे से दूर है और पिछले एक साल से उनकी एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। आखिरी बार किंग खान को आनंद एलरॉय की फिल्म जीरो में देखा गया था, जो सुपर फ्लॉप रही। लेकिन शायद अब शाहरुख के फैंस के लिए खुशखबरी आने वाली है। खबरों की माने तो शाहरुख खान डायरेक्टर राजनिधि मोरू और कृष्णा डीके के साथ एक फिल्म कर सकते हैं। इस फिल्म को लेकर चर्चा काफी लंबे समय से हो रही थी। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म की स्क्रिप्ट देखते ही शाहरुख खान ने इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने के लिए हाँ बोल दिया था, और कहा जा रहा है कि शाहरुख ये फिल्म करने के लिए काफी उत्साहित भी हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस फिल्म की शूटिंग इसी साल शुरू भी हो जाएगी। आपको बता दें, राजनिधि मुरू और कृष्णा डीके ने शोर इन द सिटी जैसी फिल्म बनाई थी, और अब उनका बॉलीवुड के बादशाह के साथ टीम अप करना फैंस के बीच बस बना हुआ है। फिल्मों में भी शाहरुख की किस्मत अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए शाहरुख अब अपनी हर स्क्रिप्ट को काफी सोच समझ कर चुन रहे हैं। ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि शाहरुख अपनी इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा कब और कैसे करेंगे।